सुबह से इंतजार कर रही हूँ। चित्रा, नवजोत, कुछ कहने को बाकी नहीं रह गया है। बहुत मुश्किल होता है। देखिए, हमने हर रोज देखा है किस तरह से रोहित इसी तरह जैसा मैं घर में समय बैठी हुई हूँ सेटअप लगा के, चाहे सुबह हो दोपहर हो, जब भी कोई बड़ी खबर होती थी उनको तुरंत फोन जाता था ऑफिस से और बिना किसी देरी के वो बैठ जाते थे। लेकिन बहुत उनकी फैमिली हमारे साथ बिताया गया वो पल, रोहित जी से जब बात होती थी आगे को लेकर बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसको बोलना बहुत मुश्किल है। और जैसे कि अंजना भी जिक्र कर रही थी, आप किस तरह से वो हाजिर जवाब होते थे, कोई भी बात कहो उनकी बातों में एक चुटीलापन होता था, वो हंसाते थे, इतनी खुशी होती थी उनके साथ किसी भी मुद्दे पे बैठ के बातचीत करना। अभी भी नवजोत वास्तव में यकीन नहीं है, मैंने बहुत सारे लोगों से जब से ये 12 बजे के बाद ये खबर सामने आई, हॉस्पिटल के लोगों से बातचीत सी सबसे, लेकिन इसको विश्वास कर पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि हम लोग कल रात में ऑफिस में थे, हमने अपना बुलेटिन खत्म करके हम लोग दूर दूर बैठे हुए थे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और बातचीत कर रहे थे जो लोग कोरोना, मैं खुद कोरोना को हरा कर आई। लेकिन रोहित के साथ इस तरह की स्थिति होगी, वो भी तब जब वो उनकी तबीयत ठीक हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि हो ना हो 2 तारीख को वो जरूर आ जाएंगे, बड़ा दिन है। और अब रोहित तो हमेशा मतलब काम को लेकर वो कितने ज्यादा पॉजिटिव, अपनी फैमिली को लेकर, उन बच्चियों को लेकर, सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे ये हो रही है नवजोत, उन बच्चियों का चेहरा, मतलब वो किसको पापा बोलेंगी, वो किसको प्यार करेंगी, जो तस्वीरें खुद रोहित जी अपनी बच्चियों को गायत्री मंत्र सिखाते हुए वो वीडियो शेयर करते थे, उनको प्यार करते हुए वो वीडियो शेयर करते थे, देख के इतनी खुशी मिलती थी। लेकिन अब मैं क्या बोलूँ उस परिवार के लिए, हमारे लिए, आज तक के लिए, हमारे पूरे संस्थान के लिए, किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि उनके नहीं रहने पर हम कैसे रिएक्ट करें। मतलब ये विश्वास कर पाना भी नवजोत बहुत मुश्किल है। हम लोग क्या बोल सकते हैं, आज कुछ भी तो नहीं है, शब्द ही नहीं है, क्या मैं बोलूं नवजोत। आज एक ऐसा बुलेटिन मुझे मिला है जो मैं कभी नहीं करना चाहूंगी लाइफ में, कभी भी नहीं करना चाहूंगी चित्रा। आई डोंट वॉन्ट टू, मुझे हेडलाइन दे दी, मैं नहीं पढ़ पाऊंगी, प्लीज, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ सकती हेडलाइन। सईद आप ही आ जाइए प्लीज, मैं यही स्टूडियो हूँ में सचिन, हूँ सहित, मैं मैं तो अकेले हूँ, मेरे को बड़ों अभी भी लग रहा है अभी रोहित आएगा, कोई तो आ जाए प्लीज, मुझे अकेले यहाँ छोड़ा आपने। मैं यही हूँ नवजोत, सामने ही हूँ, लेकिन मैं कैसे आ जाऊँ, क्या करूँ बताओ। पर देखे उस पार भी आप लोग भी तो हमारा परिवार है, हम काम पर हैं ताकि आप घर पर सुरक्षित रहें, आपको घर बैठे कोरोना से जुड़ी हर जानकारी हर खबर सही समय पर मिलती रहे, इसलिए हम दफ्तर आ रहे हैं, सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, अपने परिवार वालों के साथ वक्त बिताते हुए तस्वीरें पोस्ट करते हुए देख रहे हैं। बहुत लोग हमसे पूछते भी हैं तुम क्यों नहीं करते, हमारा भी मन करता है बच्चों के साथ घर बैठकर फिल्म देख लें, हमारा भी मन करता है शाम को चाय अपने घर परिवार के लोगों के साथ पी लें, क्योंकि हमारा एक परिवार पर्दे के उस पार भी है, आप लोग भी तो हमारा परिवार है, हम काम पर हैं ताकि आप घर पर सुरक्षित रहें, आपको घर बैठे कोरोना से जुड़ी हर जानकारी हर खबर सही समय पर मिलती रहे, इसलिए हम दफ्तर आ रहे हैं। राष्ट्र के नाम पर जब भड़कती है भुजाएं, देश के मुद्दों से गूंजे दसों दिशाएं, कर दो ऐलान
बजा दो नगाड़ा, शाम 5 बजे का राजनीतिक अखाड़ा देखिए। राष्ट्र के नाम पर जब भड़कती हैं भुजाएं, देश के मुद्दों से गूंजे दसों दिशाएं, कर दो ऐलान, बजा दो नगाड़ा, शाम 5 बजे का राजनीतिक अखाड़ा देखिए। राष्ट्र के नाम पर जब भड़कती हैं भुजाएं, देश के मुद्दों से गूंजे दसों दिशाएं, कर दो ऐलान, बजा दो नगाड़ा, शाम 5 बजे का राजनीतिक अखाड़ा देखिए। सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, अपने परिवार वालों के साथ वक्त बिताते हुए तस्वीरें पोस्ट करते हुए देख रहे हैं। बहुत लोग हमसे पूछते भी हैं, तुम क्यों नहीं करते? हमारा भी मन करता है बच्चों के साथ घर बैठकर फिल्म देख लें, हमारा भी मन करता है शाम को चाय अपने घर परिवार के लोगों के साथ पी लें, क्योंकि हमारा एक परिवार पर्दे के उस पार भी है। आप लोग भी तो हमारा परिवार है, हम काम पर हैं ताकि आप घर पर सुरक्षित रहें, आपको घर बैठे कोरोना से जुड़ी हर जानकारी हर खबर सही समय पर मिलती रहे, इसलिए हम दफ्तर आ रहे हैं।